आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 81 की उस जीवा का समीकरण क्या होगा जिसका मध्य बिंदु -2, 3 है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, वृत्त की जीवा का समीकरण जिसका मध्य बिंदु -2, 3 है। तो यहाँ पर वृत्त का मानक रूप में हमारे पास समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, जहां पर जो वृत्त का केंद्र होता है, वृत्त के केंद्र को मैं c डैश से लिख रहा हूं। ये तो होता है हमारे पास माइनस का g और माइनस का f, और वृत्त की त्रिज्या होती है r बराबर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इस वृत्त की अगर जीवा के इस वृत्त की जीवा का मध्य बिंदु m हमें दे रखा है x1 y1, इस मानक रूप में हमारे पास जो वृत्त का समीकरण है उसकी जीवा का मध्य बिंदु हमें दे रखा है x1 y1। तो जीवा का समीकरण होता है हमारे पास, जीवा का समीकरण का हमारे पास जो सूत्र होता है ये होता है हमारे पास x x1 plus y y1 plus 2g x x plus 1 g x plus x1 plus f y plus y1 बराबर आ जाता है हमारे पास x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1। अब यहां पर अगर हम इस वृत्त की बात करें तो इस वृत्त का जो केंद्र है वो क्या है, 0, या इस वृत्त की इससे तुलना करें तो यहां पर g का मान भी 0 है और f का मान भी 0 है। तो g और f का मान 0 इसमें रखूंगा, मतलब वृत्त जिसका केंद्र 0, 0 है और उसकी जीवा का मध्य बिंदु हमें दे रखा है, तो उसका समीकरण हो जाएगा हमारे पास x x1। यहां पर वृत्त का केंद्र क्या है हमारे पास 0, 0, c हमारे पास वृत्त का केंद्र, उसके निर्देशांक c डैश हमारे पास कितना है 0, 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास x x1 प्लस y y1 बराबर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। अब यहां पर x1 y1 क्या है, जीवा का मध्य बिंदु, और यहां पर कितना -2, 3 इस समीकरण में रखूंगा, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, जीवा का समीकरण आ जाएगा माइनस का 2x प्लस 3y बराबर -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13, और पूरी समीकरण 13 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का गुणा कर दूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3y, और 13 इधर आएगा तो -13 और माइनस का गुणा होगा तो ये आ जाएगा प्लस का 13 बराबर 0। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, जीवा की समीकरण। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।